आखिर जिस बात का इंतजार क्रिकेट प्रेमी काफी टाइम से कर रहे थे वो दिन आ ही गया, 24 अक्टूबर। जी हाँ, इस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। खैर इसे मुकाबला कहना भी गलत होगा क्योंकि यह महामुकाबला और वो भी T20 वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पर। तो जी हाँ, भारत की प्लेइंग 11 को लेकर काफी माथापच्ची हो रही थी, काफी घमासान देखने को मिला, खासकर इन 3 और 4 स्लॉट के अंदर। तो किस खिलाड़ी को शामिल किया जाए और किसको बाहर किया जाए, इसको लेकर माथापच्ची काफी देर तक चली रही। लेकिन इसके बाद आखिरकार डिसाइड हो ही गया है कि भारत की कौन सी प्लेइंग 11 पाकिस्तान के सामने उतरने वाली है, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। खुद मेंटोर सिंह धोनी ने भी इसमें 2-3 बदलाव किए हैं। तो कौन सी वो टीम है, कौन से वो 11 खिलाड़ी है जो पाकिस्तान को अंधे मुंह गिराने वाली हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। खैर, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 बताने से पहले हम आपको दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच का मिजाज बताने वाले हैं, यहाँ के रिकॉर्ड बताने वाले हैं। भारत के लिए पहले बैटिंग करना या बॉलिंग करना क्या सही रहेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला 24 अक्टूबर को दुबई के मैदान पर खेला जाएगा। दोनों ही टीम T20 विश्व कप के पहले मैच का आगाज करेगी। खास बात ये है कि दुबई की पिच दोनों ही टीमों के लिए परिचित है। पाकिस्तान ने पिछले 11 साल में UAE को अपना होम ग्राउंड बनाकर रखा है, वहीं भारतीय टीम ने हाल ही में यहां पर IPL के मुकाबले भी खेले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा पिच का मिजाज। UAE की पिच की बात करें तो ये गेंदबाजी के लिहाज से एवरेज है। कुछ पिचों पर पेस बॉलर्स को मदद मिलती रहती है तो कुछ पिचें धीमी है, और जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर ये मुकाबला खेला जाएगा, यहां पर गेंदबाजी के लिहाज से एवरेज है। यहां पिछले 2 IPL का स्कोर औसत 150-60 रहा है। यहां पर तेज गेंदबाजों का थोड़ा सा ज्यादा बॉल वाला रहा है एज अ स्पिनर। ऐसे में दोनों टीमें 3-3 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतर सकती है। दुबई का ग्राउंड अपने बनावट के लिए भी चर्चा में रहता है। यह पिच बिल्कुल गोल नहीं है, यह पिच स्क्वायर जैसा है। एक तरफ छोटी बाउंड्री है, ज्यादातर बल्लेबाज उसी तरफ बाउंड्री मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हर टीम की यही कोशिश रहती है कि बैटिंग के दौरान लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना रहे ताकि छोटी बाउंड्री पर बॉल पहुंचाई जा सके। मैदान पर टॉस का रोल भी काफी अहम रहने वाला है क्योंकि अब UAE में मौसम का मिजाज बदल रहा है। शाम को ओस गिरने के कारण मैदान के हालात बदल जाते हैं। ऐसे में कोई भी टीम टॉस जीतकर पहले ही बल्लेबाजी करना चाहेगी। आंकड़े भी बताते हैं कि टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने वाली टीम को 77% जीत मिलती है। ऐसे में भारतीय टीम को पिच के हिसाब से प्लेइंग 11 सेट करने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। कैरबा ये जानते हैं इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है और किन 3 स्लॉट में किन दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर किया गया। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया का सबसे घातक टॉप ऑर्डर। ओपनिंग की जिम्मेदारी पाकिस्तान के खिलाफ उप कप्तान रोहित शर्मा और KL राहुल के कंधों पर रहेगी। दोनों ही खिलाड़ी शानदार फॉर्म में है और पाक के खिलाफ भी टीम के दोनों ओपनर्स से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। राहुल की बात करें तो उन्होंने दोनों वार्म अप मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ 51 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 39 रन बनाए हैं। वहीं हिटमैन की बात करें तो कंगारू टीम के खिलाफ उनके बल्ले से भी 41 गेंदों में 60 रनों की नाबाद पारी देखने को मिली और अपनी फॉर्म में वापसी के संकेत दिए। यानी इन दोनों का अगर बल्ला चला पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने से टीम इंडिया को कोई नहीं रोक सकता है। हिटमैन और KL राहुल की जोड़ी वाकई में दमदार है और भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ओपनिंग जोड़ी तो यही रहने वाली है, ये बात तय हो चुकी है। विराट कोहली ने ही इस बात को जग जाहिर कर दिया है। लेकिन तीसरे नंबर पर ये बात आप और हम सभी जानते हैं कि विराट कोहली के अलावा कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता है या हम किसी और खिलाड़ी की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। नंबर 3 पर कैप्टन कोहली नजर आएंगे। पहले वार्म अप मैचों में विराट ने साफ कर दिया था कि वह टूर्नामेंट में नंबर 3 पर ही खेलेंगे। भारतीय कप्तान विराट कोहली वो खिलाड़ी हैं जिनका फॉर्म मात्र एक हिटिंग से मिल जाता है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय कप्तान की फॉर्म चिंता का विषय हो सकती है। आईपीएल फेज 2 की पिछली 5 पारियों में वह एक बार भी 50 प्लस का स्कोर नहीं बना सके थे और इंग्लैंड के खिलाफ भी 11 के स्कोर पर आउट हो गए थे, लेकिन उन्हें ये कौन समझाए कि आईपीएल में वो ओपनिंग कर रहे थे। यहाँ पर वो मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे जहाँ पर उनको केवल गेम चलाने की आवश्यकता होगी और इसी के लिए तो विराट कोहली जाने जाते हैं। T20 इंटरनेशनल में नंबर 3 पर कोहली का प्रदर्शन, जहाँ पर विराट कोहली का औसत 58 का है, बेस्ट 94 रन है, तो कौन भला नंबर 3 पर विराट कोहली को नहीं रखना चाहेगा। मिडल ऑर्डर में नंबर 4 की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव और नंबर 5 की जिम्मेदारी ऋषभ पंत निभाएंगे। पिछले कुछ पारियों में सूर्या ने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए हैं। आईपीएल 14 के आखिरी मैच में उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 40 गेंदों में 82 रन बनाए थे। दूसरे वार्म अप मैच में भी उन्होंने 27 गेंद पर नाबाद 38 रन बनाए थे। वहीं ऋषभ पंत भी कुछले समय से अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी को खासा प्रभावित किया है। कीपिंग का जिम्मा भी उन्हीं के पास रहेगा। लेकिन बात आती है कि टीम इंडिया के दमदार फिनिशर कौन होंगे, जो सबसे बड़ा सवाल हार्दिक पांड्या को लेकर उठ रहा था, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने हार्दिक पांड्या के साथ में ही जाने का फैसला लिया है। हार्दिक पांड्या की बात करें तो वो पाक के खिलाफ गेंदबाजी करेंगे या नहीं, इस बात पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन एक बात साफ है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ फिनिशर की भूमिका में नजर आएंगे। पांड्या बड़े बड़े शॉट्स लगाने में माहिर है और डेथ ओवर में भारतीय टीम के लिए तेजी से रन बनाने में भी माहिर है। दूसरे वार्म अप मैच में उन्होंने मैच फिनिश करते हुए 8 गेंदों में 14 रन बनाए थे। हार्दिक पांड्या से अच्छा फिलहाल टीम इंडिया के पास फिनिशर कोई नहीं है, कि छठवें पायदान पर हार्दिक पांड्या तय है और 7वें और 8वें पायदान पर इन दो स्पिनर्स को जगह मिलने वाली है। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली को 2 स्पिन, रविंदर जडेजा और वरुण चक्रवर्ती को मैदान पर उतार सकते हैं। जडेजा गेंद के साथ बल्ले से भी टीम के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। आईपीएल फेज 2 में उन्होंने अंतिम ओवर्स में कई बार तेजी से रन बनाकर चेन्नई के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था। गेंद से भी जडेजा के 4 ओवर भारत के लिए काफी अहम हो सकते हैं। दूसरे स्पिनर में रविंद्र चंद्र अश्विन और वरुण चक्रवर्ती के ऊपर चर्चा चल रही है, लेकिन चक्रवर्ती का खेलना बहुत हद तक तय माना जा रहा है। वरुण चक्रवर्ती ने यूएई के मैदान पर खेले 23 T20 मैचों में 28 विकेट चटकाए हैं, साथ ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने आज तक उनके खिलाफ एक भी मैच नहीं खेला है। ऐसे में वरुण की मिस्ट्री राजू को समझने में उनको दिक्कत हो सकती है। इतना ही नहीं, चक्रवर्ती रन खर्च करने में भी काफी कंजूस माने जाते हैं। तेज गेंदबाजों में मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार की प्लेइंग 11 में जगह पक्की नजर आती है। शमी कमाल की लय में है, पहले फॉर्म में आप मैच के अलावा आईपीएल फेज 2 के 6 मैचों में 11 विकेट चटकाए थे। शमी के अलावा बूम बूम बुमराह से पार पाना भी पाक के लिए आसान नहीं होगा। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए बतौर तेज गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह ने ही चटकाए हैं। उनकी फॉर्म की बात करें तो पिछले 7 T20 मैचों में उन्होंने सिर्फ 14 की औसत के साथ में 15 विकेट चटकाए हैं। इन दोनों स्टार गेंदबाजों के साथ साथ भुवनेश्वर कुमार से भी दमदार प्रदर्शन की आस रहेगी। भुवी ने भले ही फिलहाल अपने नाम अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन इस बड़े मुकाबले में उनका अनुभव भारतीय टीम के बहुत काम आएगा। विराट कोहली 3 स्पिनर के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो जिसमें रविंद्र चंद्र अश्विन और राहुल चहर में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है और भुवनेश्वर कुमार जो आउट ऑफ फॉर्म है उन्हें बाहर बिठाया जा सकता है। अब विराट कोहली मेंटोर सिंह धोनी के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कितने स्पिनर के साथ जाना पसंद करते हैं। तो कुछ इस तरह से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 रहने वाली है।